अपनी मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और किसान पिछले आंदोलन में जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं होने पर बड़े नाराज भी हैं, जिसके चलते दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत होने जा रही है, जिसमें पंजाब हरियाणा समेत आसपास के राज्यों के किसान शामिल हो रहे हैं। बीजेपी ने हमारी मांग ना मानी फिर वोट की चोट का भी सोचा जा सकता है। किसानों का कर्ज माफी है और फसलों के लाहेवंद रेटा की गल जी है वो मुख्य रूप से आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले किसान सड़क पर हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर अड़े किसानों ने पंजाब शंभू बॉर्डर समेत कई जगह पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। किसान पिछले आंदोलन में किए गए वादे पूरे नहीं होने पर नाराज हैं, जिसके चलते किसानों की दिल्ली में 14 मार्च को महापंचायत भी होने जा रही है। इसमें पंजाब हरियाणा समेत आसपास के राज्यों के किसान शामिल हो रहे हैं। खबर है कि रामलीला मैदान में किसान मजदूर महापंचायत आयोजित करने की अनुमति भी मिल गई है। किसान संगठन का कहना है कि इस महापंचायत में मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई तेज करने का प्रस्ताव पारित होगा। देखो जिहड़ी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है ना बंधेर साहब वाली, ये उदों भी इकट्ठे हो के साडे नाल नहीं सीगा। इन्हां ने जदों असी मोर्चा उत्थे लाता सी ना उपर जाके अगली साइड ते वक्खरा मोर्चा लाया सी, उदों भी साडे नाल नहीं सी। ये मैं तुहानूं पहलां ही दस्सिया, हुण इन्हां ने पहले नंबर ते आउण वास्ते ना एक पहले नंबर ते आउण वास्ते साडे संगठनां दे नाल विचार वटांदरा नहीं कीता ते अगे आ गए आ, जो कि साढ़े आपसी इंटरनल आ। इन्हां नूं नहीं सी इस तरह करना चाहिए, सारे फैसला लैके चलना चाहिए सी। मंगा साडियां सेम आ, वही मंगा एस के एम दियाँ, वही मंगा इन्हों दियाँ वा, मंगा साड़ियाँ सेम आ। तो हमारी तो मांगे, हमारा तो आंदोलन चल रहा है। अगर उचाणा की बात करो तो 15 महीने से हम बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार से भी हमारी मांगे है, केंद्र सरकार से हमारी मांगे कि MSP पर कानून बनाने का, फसल खरीद का कानून बनाए, किसान मजदूर के कर्जे माफ करे। पंजाब से किसानों के कई जत्थे राजधानी दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। किसानों में सरकार के खिलाफ नाराजगी साफ दिख रही है। दिल्ली पहुंचने से पहले अमृतसर रेलवे स्टेशन पर किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही केंद्र सरकार पर उनकी मांगे पूरी नहीं किए जाने का आरोप लगाया। आंदोलन लंबा चलना वा, तगड़ा चलना वा, इस करके सारे अपील है वध तो वध गिनती विच हर पिंड दे ट्रैक्टर टाली खलोवे। और ये आंदोलन पक्का, सानू आस है असीं जित्तांगे, इहदा समां बाउंड नहीं कीता जा सकदा वी कदों ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਾਇ ਲਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਆ ਰਾਮਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਲੈਣ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਊਗੀ ਉੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 400 ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ SKM ਦਾ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਗੁੱਸਾ ਆਏ ਕਿਸਾਨੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। नाराज किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर नारेबाजी की। इनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी उनका संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। मंगा देखो 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਹੈ ਔਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ 200 ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ 700 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। किसानों का संघर्ष काफी वक्त से जारी है। किसानों में सरकार के खिलाफ नाराजगी है, सरकार की तरफ से आश्वासन भी मिलता है, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं होने पर ये सड़क पर है।
सीएए को लेकर हो रही सियासत जोरों पर है। विपक्ष किसी भी तरह से इसे पचा नहीं पा रहा, लगातार विरोध की आवाजें उठाई जा रही हैं। वहीं सीएए को लेकर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान आ गया है। केजरीवाल ने कहा है कि विदेशियों को नागरिकता देने का कानून चरमरा जाएगा, इसकी वजह से कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी और इससे रेप की घटनाएं बढ़ जाएंगी। जैसे ही नागरिकता संशोधन कानून लागू हुआ, पड़ोसी देशों से आए लोगों में खुशी की लहर दौड़ी और विपक्ष ने फौरन विरोध शुरू किया। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में राज्य सरकारों ने केंद्र को चुनौती दी और कानून लागू करने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी तो जान देने की बातें करने लगी। কোন ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না, কোন এনআরসি করতে দেব না, কারো অধিকার কাটতে দেব না, কাউকে বঞ্চনা করতে দেব না, কাউকে লাঞ্ছনা করতে দেব না। এর জন্য যদি আমার জীবনও যায়, আমি জীবন দিতে তৈরি। বাংলার মানুষের অধিকার আমি কিছুতেই কাটতে দেব না। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि पड़ोसी देशों के शरणार्थी आए तो चोरी और बलात्कार बढ़ेंगे। पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे, सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा, चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। ये क्यों लाए हैं कानून, बता रहे हैं बीजेपी केवल अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। हमें डकैत भी कहा जा रहा है, हमें इस बात का खेद है भाई अरविंद केजरीवाल जी, ना हम बलात्कारी हैं, ना हम लुटेरे हैं, हम वही हैं अरविंद केजरीवाल जी जो कोविड में आप हमारे को हाथ जोड़ जोड़ के कहते थे लंगर भेजो, हम वही हैं अरविंद केजरीवाल जी जिनको हाथ जोड़कर कहते थे रकाबगंज के अंदर हॉस्पिटल बना दो, ऑक्सीजन दे दो, हम वही हैं, हम बलात्कारी नहीं हैं, हम तो लोगों की जान बचाने वाले लोग हैं। एक घटिया बयान अरविंद केजरीवाल जी को वापस लेना चाहिए। सीए से जुड़े विपक्ष के तमाम आरोपों को केंद्र सरकार खारिज कर रही है। सीए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये ओवैसी भी झूठ बोल रहे हैं, खड़गे भी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं कि इससे माइनॉरिटी की नागरिकता जाएगी। केंद्र सरकार बार बार ये साफ कर रही है कि सीएए का एनआरसी से कोई रिश्ता नहीं है, सीएए नागरिकता देने का कानून है ना कि लेने का। इस कानून से नागरिकता दी जाएगी ना कि किसी की नागरिकता ली जाएगी। फिर भी सियासत तो आखिर सियासत है, चुनावी माहौल में दाव दोनों तरफ से है। आज तक ब्यूरो। सीएए पर दिए गए केजरीवाल के बयान से पाकिस्तान से भारत आने वाले सिख बड़े आहत हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए सिखों का कहना यह है कि केजरीवाल ने सिखों से चंदा लेकर पार्टी खड़ी कर डाली और अब वो उन्हें भला बुरा कह रहे हैं। आप देखिए, जब ये राजनीति में आया तो किस तरीके से आया सबको पता है, और उस समय सबसे ज्यादा मदद इसने जो ली पैसे के रूप में, दूसरे रूप में, वो सिखों से ली, एनआरआईओं से ली, और उस बेस पे उसने पार्टी खड़ी करी और आज उनका विरोध कर रहा है। उनको कह रहा है जो गुरु नानक का सिख पगड़ी धारी है, मेरे को एक बता दो कि किसी डकैती में, किसी बलात्कारी में, किसी उसमें इन्वॉल्व हुआ हो। दसवें पातशाह गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हमारे को सिखाया है कि दूसरे की बेटी की रक्षा करना हमारा फर्ज है। अगर आज किसी पे कोई किसी बहु बेटी पे बुरी नजर डालता है ना, तो मैं उसको काट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा फर्ज है मजलूम की रक्षा करना, हमारा सिखों का फर्ज है। केजरीवाल जी कहना हमारा इतिहास पढ़े, शायद पढ़ा नहीं होगा उन्होंने। ये बुरा काम करते हैं, चोरी करते हैं। हम अफगानिस्तान में जो हमारे दीन से गैर मुसलमान मुस्लिम भ्रा थे, उनकी बहनों को हम अपनी बहन समझते, उनकी माँ को अपनी माँ समझते, उनको भ्रा को अपना भ्रा समझते। वहाँ पे हम बलात्कार नहीं करते, वहाँ पे हम चोरी नहीं करते, वहाँ पे हम बदमाशी नहीं करते। अपने देश में, अपने हिंदुस्तान में बदमाशी करते हैं। ये जिसने बोला है उसने गलत बोला है, वो आप हिंदुस्तान का नहीं है। लोकसभा चुनावों को लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन कर रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के संभावित उम्मीदवारों में करमजीत रिंटू का नाम काफी आगे चल रहा है, काफी चर्चाओं में भी है। लोकसभा चुनाव को लेकर करमजीत कितना आश्वस्त हैं और क्या तैयारियां चल रही हैं, इसी मुद्दे को लेकर करमजीत से हमारे संवाददाता आमिर शर्मा ने खास बातचीत की है।
लोकसभा चोणां दी तैयारियां दे विच सारियां पार्टियां लगियां, लेकिन पार्टियां वालों सर्वे भी करवाया जा रहा। सो आम आदमी पार्टी वालों करमजीत सिंह रिंटू जिहड़े पूरा मेयर है उन्हां दा सर्वे करवाया जा रहा, नाल ही कुलदीप धारीवाल का सर्वे करवाया गया। सो करमजीत सिंह रिंटू साडे नाल मौजूद है। रिंटू साहब बहुत बहुत स्वागत है ताडा पंजाब तक। रिंटू जी, सर्वे करवाया गया ताडा भी लोकसभा चोणां च जिहड़े उम्मीदवारां दे विच संभावित दी लिस्ट दे विच नाम है, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਵਾਰ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 23-24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਹਾਂ। 5 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਪੈਮਾਨੇ ਨੇ, ਕਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣੀ ਆ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 2005 में आया पंजाबी सॉन्ग सागर ती वोटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है आजकल भी। सतनाम सागर और शरणजीत शम्मी के गाए इस गाने को यूट्यूब पर बड़ा पसंद भी किया जा रहा है, जिसे लेकर पंजाबी सिंगर सतनाम सागर और शरणजीत शम्मी से खास बातचीत की है अमित शर्मा ने। सुनिए जरा दोनों को ही। 2005 दे विच एक गाना आंदा सागर दी वोटी लैंदी इंडिका चला, उस गाने नू काफ़ी पसंद किया जाता, लेकिन हौली हौली उस गाने नू जेड़े सिंगरा द्वारा गाया गया सी वह गुमनाम गलियां दे विच गवाजदे ने, लेकिन अज लोकां द्वारा फिर तो उस गाने नू पसंद किया गया है, उसके व्यू शिप काफ़ी देखने नू मिल रही है। सो साडे नाल वह जोड़ी मौजूद है, सतनाम सागर ते नाल शमिंदर शमी जी। सब तो पहला सतनाम सागर जी, सागर जी 2005 गाना है लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया, लेकिन हौली हौली तुसी गुमनाम गलियां च गवाच गए, कित्थे चले गए सी तुसी? लोग तुहानू पसंद भी काफ़ी किया सी, आखिर होया की सी? मैं सारे चैनलों नू बेनती कर रहा जी भी ये मैनू लगता है जिवें तुसी पता नहीं चंडीगढ़ तो आए हो, दिल्ली तो आए हो, कांदोले प्रदेश वाली गल हुंदी है, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈੱਕ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ, 15 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ, 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕੈਸਟ ਅਗਰ 200-200 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਵਿਕੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਤਨਾਮ ਸਾਗਰ ਦੀ ਵਿਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਜਾਈ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਦੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕੰਪਨੀ, ਘਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਲਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਰੈਗੂਲਰ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਗਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਮੀ ਜੀ, ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੇਖੋ। ਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਹੀ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 2024 ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਕਈ ਹੋਰ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
जिन्ना मर्जी कोशिश कर लिए अं अपने स्रोतियां दा देन नहीं दे सकते। बाकी सॉरी मैनू माफ़ करियो, मैनू ज़्यादा बोलना नहीं जे आउंदा, गाउणा आउंदा मैनू, वो मेरे को जिन्ना मर्जी सुन लो क्योंकि बोलना इन्ना मैनू सिखाया। दो बोल जरूर डाले ओही गाने ते सुनदे जेड़ा जेड़ा तुसी सवाल पुछिया ना जी, सॉरी सॉरी जेड़ा उन्हां नू सवाल पुछिया वो फिर वो व्यर्थ ना ना चले जाए। जेड़ा तुसी उन्हां नू सवाल पुछिया कि अजकल लोग बहुत गा रहे ने, जे वो गा रहे ने ना भाजी तो उन्हां नू प्यार मिल रहा है ना, सानू कोई वखरा नहीं प्यार मिल रहा, उन्हां नू साडे नालों ज़्यादा मिल रहा है। साडे नालों अज दे बच्चे जेड़े आ ना, मैं थोड़ा जिहा इस जाए जेड़े अज दे नौजवान बच्चे आ उन्हां दा गला साडे नालों वधिया, वो जंग ने, वो साडे नू वधिया काम करदे ने, उन्हां दे स्रोते साडे नालों ज़्यादा ने। मैं इदां नहीं कह सकदा, बाकी सानू सानू भी गरीबां नू प्यार दे रहे आ। गुरुग्राम में करोड़ों के पैकेज को छोड़कर चार युवाओं ने खुद का एक नया स्टार्टअप शुरू किया है। गाय और भैंस की होम डिलीवरी करने वाली इस कंपनी का नाम मेरा पशु 360 है। मेरा पशु 360 एक एप्लीकेशन है या कंपनी की वेबसाइट के जरिए किसान घर बैठे गाय भैंस खरीद सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि पशुपालन डेयरी बिजनेस के लिहाज से बड़ा कारोबार है, ऐसे में किसान गाय भैंस खरीदने के मामले में धोखाधड़ी का शिकार ना हो और इसी मकसद से इस कंपनी को शुरू किया गया है। अब गाय भैंसों की भी होम डिलीवरी। गुरुग्राम में चार युवाओं ने मिलकर शुरू किया अनूठा स्टार्टअप। गाय भैंस खरीदना हो या फिर उनके चारों का इंतजाम, सारी सुविधाएं ऑनलाइन। ये है निकेत अग्रवाल, IIT मद्रास से पास आउट है। बोस्टन में खुद की कंपनी थी, बेच दी, अब देश में ही शुरू की है नई कंपनी मेरा पशु 360। उनकी इस कंपनी में उनके तीन साझेदार दोस्त भी हैं, कनुप्रिया, प्राची और रूपेश। मेरा पशु 360 कंपनी का आइडिया चारों ने मिलकर बनाया है और अब चारों कंपनी में अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। दावा है कि ये देश की पहली ऐसी कंपनी है जो गाय और भैंस की होम डिलीवरी करती है। मतलब मेरा पशु 360 की ऐप या कंपनी की वेबसाइट के जरिए किसान घर बैठे गाय भैंस खरीद सकते हैं। पशुपालन डेयरी बिजनेस के लिहाज से बड़ा कारोबार है, ऐसे में किसान गाय भैंस खरीदने के मामले में धोखाधड़ी का शिकार ना हो, इसी मकसद से ये कंपनी शुरू की गई है। अभी देखिए कि एक डेयरी किसान, जैसे हम आप नाम देख रहे होंगे मेरा पशु 360, तो 360 का हमारा आइडिया यही है कि एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करें रूरल में, खासकर डेयरी किसान के लिए। तो उसकी जो भी ज़रूरतें हैं हम उसके घर तक, उसके डोर स्टेप तक पहुँचाएँ। जैसे शहरों में आप देख रहे हैं कि आज की डेट में पिज़्ज़ा बर्गर मंगाना हो तो 30 मिनट 10 मिनट में आपके घर आ जाता है, वही चीज़ जो 70% इंडिया है, 60% इंडिया है रूरल में, वो सुविधा हम उसको वहाँ पे देना चाहते हैं। साल 2021 में लाखों करोड़ों का सैलरी पैकेज छोड़कर विदेश से लौटे चारों दोस्तों ने जब गुरुग्राम में ये कंपनी शुरू करने की सोची, तब सबसे ज्यादा जोर इस बात पर रहा कि कंपनी को ग्राहकों का भरोसा मिले। इसके लिए उन्होंने एक टीम बनाई है जो गाय भैंसों को बिक्री के लिए वेबसाइट पर डालने से पहले 75 से ज्यादा पैरामीटर पर पशुओं की जांच करती है और फिर उसी हिसाब से उसकी कीमत तय होती है। मान लो अगर हम हॉर्न की बात करते हैं तो हम क्रॉस मुर्रा ब्रीड का बिजनेस करते हैं, तो उसकी हॉर्न कितनी क्वाइल्ड है उस बेसिस पे हम उसको एक मार्क देते हैं और इसके बाद उसका बॉडी कंडीशन क्या है, बॉडी स्कोर क्या है, सींग की आप बात कर रहे हैं कि सींग कितनी कर्व है उसके हिसाब से हम नंबर देते हैं, ब्रीड किस ब्रीड से ये मैक्सिमम मैच कर रही है उस बेसिस पे हम इसको 50% या 50-70%, 75% या 75-87.5% या प्योर मुर्रा, इस तरह से कैटेगराइज करते हैं इसे। गाय भैंसों की बिक्री के अलावा इनकी कंपनी पशुओं के लिए चारा भी बनाती है और उसकी कीमत से लेकर फायदे नुकसान तक के बारे में बताने के लिए उनके पास एक पूरी टीम है जो लोगों की कॉल अटेंड करके लोगों को अपने प्रोडक्ट की जानकारी देती है। यहाँ काम करने वाले स्टाफ में ज्यादातर महिलाएं हैं ताकि अगर पशुओं के चारे के लिए कोई महिला किसान ऑर्डर करे तो उसके लिए ये ज्यादा सहज हो। हमारे पास सर बिनौले की खल है, गोली वाली खल है, चना चूरी है, चोकर है, सोयाबीन का छिलका, चना छिलका, साइलेज और कैल्शियम है सर। आप भी घर पे ही देके जाएंगे विद फ्री होम डिलीवरी, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लगेगा। यानी इस कंपनी के जरिए एक कोशिश महिलाओं के सशक्तिकरण की भी है। एक चीज सिर्फ मेरे जो दिल में इच्छा थी कि
काफ़ी कुछ करने का मौका मिल रहा था, लेकिन मैं चाहती थी कि कैसे हम इंडिया के लिए और अपने स्पेशली विमेन जो इंडिया में हैं, जो पीछे रह गई हैं कहीं ना कहीं अभी भी, स्पेशली रूरल में, तो मैं किस तरीके से उनके लिए कुछ और कर सकती हूँ क्या, क्योंकि बहुत कम विमेन रहती हैं जिन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो मुझे मिली। युवाओं की अनूठी पहल रंग लाई है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कंपनी को शुरू हुए अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, लेकिन 4 से ज्यादा राज्यों तक अपनी पहुंच बना चुकी है। अभी ये लोग देश के 4 राज्यों में काम कर रहे हैं, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं और उम्मीद यही है कि आने वाले 2 से 3 साल में ये पूरे भारत में काम करना शुरू कर देंगे, पैन इंडिया अपना बिजनेस लेकर पहुँच जाएंगे। कैमरामैन कृष्ण के साथ मनीष चौरसिया, आज तक पंजाब में। अब देखिए पंजाब के अलग अलग शहरों से आई कुछ बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में पंजाब एक्सप्रेस में।